वेलकम टू दर टी अकेडमी और uh, हम अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर uh, पढ़ रहे थे एंड रिपोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे कि किस तरीके से दो तरीके का सेक्शुअल और ए सेक्शुअल रिपोडक्शन होता है एंड देन अभी हम रिप्रोडक्टिव uh, फेज पे पहुंच चुके थे जिसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन फेज पढ़ लिया है प्री फर्टिलाइजेशन फेज में कैसे गैमिट बनते हैं और कैसे गैमिट्स का ट्रांसफर होता है एंड छोटा साइजेशन रिजल्ट सेटिशन सो दिस इज द मोस्ट वाइटल इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरी साइकिल का की सबसे फ्यूजन होगा जो आपके मेल और फीमेल गैमिट्स बने थे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में देन फाइनली ये दोनों के दोनों जो मेल गैमिट बने थे इनका जो फ्यूजन होता है दिस प्रोसेस लीड्स टू फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से क्या होगा जैसे एक मेल गैमिट है मेल एक फीमेल है फीमेल इन दोनों का क्रॉस होगा और क्रॉस के बाद एक जाइ बनता है मेल गैमेट बताया था लास्ट क्लास में होता है फीमेल गैमेट बताया था लास्ट क्लास में होता है then, जो है एंड देन बनता क्योंकि एन और एन कंबाइन करके दो सेट ऑफ मिल रहे हैं तो जो जाइट होता है वो डिप्लॉइड बनता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है दैट इज कॉल्ड एज सिमी ओके सो फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज सिमी सिनगैमी भी बोलते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे रोटिफर्स हनी बीज लिजर्ड्स एंड कुछ बर्ड्स इनके केस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है बिना मेल के फ्यूजन के साथ मतलब फीमेल गैमिट जो होती है खुद ही ऑफस्प्रिंग में डेवलप कर जाती है जो फीमेल गैमिट है उसमें कुछ चेंजेस होंगे एंड देन फाइनली नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं उससे पहले ही uh, मतलब खुद से ही डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है अगर ऐसा हो ऐसी कंडीशन आए जिसमें आपका आई जस्ट शो इट विद अ डिफरेंट कलर, लेट्स यूज़ पिंक, राइट ऐसी कंडीशन जिस केस में ये मेल और फीमेल का फ्यूजन नहीं होता मेल तो इन्वॉल्व है ही नहीं डायरेक्टली फीमेल ही डायरेक्ट जायगोट बना लेती है

इसको मतलब ये होता कहाँ पे है कहाँ पे होता है so सो इट पे वेरी करता है सब पहली तो है सबसे तो ये बात बट ऑर्गेजरिटी ऑफ एल्स में फिश में एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन syng, एक्सटर्नली uh, होता है बाहर के मीडियम में होता है बॉडी के अंदर नहीं तो जब वेन इट हैपन्स इन एन एक्सटर्नल मीडियम जो कुछ भी हो सकता है वॉटर एयर एनीथिंग सो अगर कोई एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन राइट दिस टाइप ऑफ एज यू कैन सी याइप ऑफ गैमेट्रिक फ्यूजन इज कॉल्ड एज अक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाइल्ड अगर लाइक ओकेटर क्लेरिफिकेशन बट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो दोनों सेक्स के बीच में मेल और फीमेल के बीच में काफी सिंक्रिनी होती है काफी हार्मनी से वो चलते हैं अदरवाइज अगर उनके बीच में सिंक्रिनी नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन वैसे ही नहीं हो पाएगा राइट जैसे जो मेल होगा मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेल गैमिट्स मोटाइल होते हैं uh, और जो फीमेल गैमिट है वो स्टेशनरी होता है तो जो मेल होगा वो बहुत सारे uh, अपने मेल गैमिट्स को रिलीज कर देगा वो मीडियम में जैसे अगर हम मान के चल रहे हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में होने वाला है तो वो पानी में बहुत सारे अपने सारे के सारे स्पर्म्स uh, को या फिर मेल गीज को रिलीज कर देगा जिससे ज्यादा से ज्यादा चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या सिंगामी बढ़ जाएगा अः uh, ऐसा बहुत सारे चीजों में देखा जाता है जैसे मैंने बताया कि आपको फिशेज में मिलेगी ये चीज आपको एम्फीबियंस में मिलेगी एम्फीबियंस में भी स्पेसिफिकली वी हैव फ्रॉग्स फ्रॉग्स के केस में ऐसा बहुत होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल्स अपने सारे स्पर्म्स को पानी में रिलीज कर देगा

दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के लार्वे, जाइगोट इन सब पे फीड करते हैं इन्हें खाते हैं फॉर न्यूट्रिशन सो अगर बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो बाहर स्ट्रक्चर बनेगा उसी की वजह से उसको कोई भी कभी भी खा सकता है so, उसकी से वो अडल्ट ही नहीं पाते उन्हें उनकी इनिशियल स्टेजेस पे ही खत्म कर दिया जाता है सो दैट्स वाई दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हर केस में फेवर करी ही नहीं जाती है बट या देर आर स्टिल मेनी ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो ये ही फेवर करते हैं जिनके केस में एक्सटर्नल ही फेवर होती है बट देर आर फ्यू जिनके केस में जो फर्टिलाइजेशन uh, है बॉडी के अंदर होती है बॉडी के बाहर नहीं जो फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर ना होके अंदर होता है सो so अंदर कैसे होता है जैसे आपके एग्जाम्पल में आपके सामने आप लोग खुद ही हो ह्यूमंस के केस में फर्टिलाइजेशन अंदर होता है डेवलपमेंट अंदर होता है माँ के बूम में माँ के बूम में प्रॉपर बनेगा बनने के बाद डेवलप करेगा फीटस बनेगा फीटस से फाइनली चाइल्ड डिलीवर होता है सो so, ऐसे केसेस में जिनके केसेस में अंदर सारा फ्यूजन होता है अंदर सारा डेवलपमेंट होता है दैट्स कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस तो एग्जांपल है ही उसके अलावा

सो so, बहुत इजी है आई थिंक ये तो आपके केस में भी आप लोग अपना एग्जांपल लो हमेशा इंटरनल जो जो एग्जांपल आप अपने पे कोट कर सकते हो तो अपने बेसिस पे उसे कोट करते हुए करो सो so, चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी जस्ट यू हैव योर सेल्फ ऑल द टाइम सो यू कैन जस्ट इंटेरोगेट योर सो क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कि एग इज फॉर्मड इन द फीमेल बॉडी बहुत इजी सा फैक्ट है जैसे अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में लड़कियों के केस में हर मंथ में वो एग डेवलप होता है क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसके बाद फाइनली उसे शट डाउन कर देते हैं जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स होते हैं बट इन केस अगर वो आपको फर्टिलाइज मतलब इफ अ पर्सन इज अडल्ट एंड देन फाइनली वो एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से तो आपको पीरियड जाने उसके बाद बंद हो जाएंगे जस्ट बिकॉज अब पीरियड जाने का कोई रीजन नहीं है पीरियड्स एग्जैक्टली exactly होते क्या है एग्जैक्टली exactly होती क्या है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलप हुआ था लेकिन वो काम ही नहीं आया क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन होने की जरूरत ही नहीं पड़ी अब फीमेल रिप्रोडक्टिव uh, उसका uh, जरूरत ही नहीं पड़ी तो फाइनली वो डेड हो जाता है और वो डेड हो जाता है तो उसके अंदर आपकी बॉडी का यूट्रस भी प्रिपेयर किया जाता है पूरी प्रेग्नेंसी के लिए हर महीने बट अगेन फर्टिलाइजेशन हुई नहीं प्रेगनेंसी हुई नहीं तो उसकी वजह से सारा का सारा एक्स्ट्रा जो सम, एक्स्ट्रा जो material होता है है। वो dead हो जाता दिस इज वाई मेन्सुरशन आकर्स एग बनेगा फीमेल बॉडी में बाकी वो मेल गैमेट आने के बाद मोटाइल uh, होता है वो तो इल जस्ट ट्रेवल फाइनली फ्यूज विद जिनके uh, like, अगेन जो मैंने बताया कि आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में प्रीडेटर आपका जो जायॉर्ट बनेगा इसीलिए तो इसके अलावा एक और रीजन होता है कि प्रीडेटर्स खत्म कर देंगे तो इसके केस में भी ज्यादा फ्यूजन होंगे ज्यादा जाइगॉट बनेंगे तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएंगे सिमिलरली अगेन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी मेल्स मोटाइल होते हैं और फीमेल्स का ओवा स्टेशनरी तो मेल्स का मेल्स का स्पर्म जो होता है वो ट्रेवल करके ओवा के साथ फ्यूज करता है चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए अगेन मेल का स्पर्म्स बहुत सारे नंबर में रिलीज होते हैं थाउजेंड्स ऑफ एक्स्ट्रा नंबर्स में रिलीज होते हैं फाइनली जिसकी वजह से एग के साथ फ्यूजन इफेक्टिवली हो जाए एंड फर्टिलाइजेशन सक्सेस करे uh, कुछ सीड प्लांट्स में देर आर चांसेस एज वेल जिनके केस में जो मेल गैमिज होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं तो नॉन मोटाइल होते हैं मतलब वो खुद से तो ट्रैवल नहीं कर सकते तो फीमेल गैमेट तक कैसे जाएंगे ये हमारे लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने एक छोटी सी वीडियो भी दिखाई है जिसमें ये दिखा रखा है कि हाउ द मेल गैमिट्स आर कैरिड टू द फीमेल स्ट्रक्चर्स इन फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन एंड पोलन ग्रेन जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा, तुरंत एक बनती है, के अंदर से और उस ट्यूब से ट्रेवल करके वो फीमेल स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है दैट इज इन केस ऑफ नॉन मोटाइल मेल गैमेज विच आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ प्लांट सो वी आर डन विदेस अभी आपको मैंने ये बताया कि फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जो फर्टिलाइजेशन होता है मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके का हो सकता है एक हो सकता है एक्सटर्नल एक हो सकता है इंटरनल एक्सटर्नल का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फ्रॉग इंटरनल का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ह्यूमन दोनों ही केसेस में चांसेस ऑफ सर्वाइवल चांसेस ऑफ फ्यूजन बढ़ाने के लिए मेल गैमेट बहुत ज्यादा नंबर में बनाए जाते हैं एक्सेसिव नंबर में रिलीज होते हैं ताकि चांसेस ऑफ़ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन बढ़ जाए। uh, जिसमें हम आपको एक्सटर्नल दिखाती external just because आप एक बार देखोगे से हाउ इट शुड बी टेकन ऑफ राइट थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया लग जाएगा सो लेट जिस शेयर वीडियो ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन In case of frog only, okay. Fertilization takes place outside the body of the female. In these animals, fertilization takes place in water. Let us find out how this happens. During spring or हर किसी के केस में पानी में नहीं होगा इससे confusion नहीं करना है मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि external medium में हो रहा है बाहर के किसी medium में हो रहा है जो frog के केस में पानी होता है it can be the things as well. Rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs. Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperms come in contact with the eggs. This results in fertilization. This type of fertilization, in which the fusion of a male and a female gamete takes place outside the body of the female, is called external fertilization, it is very common in aquatic animals such as fish, starfish etc. so as I just said कि uh, external fertilization sirf कुछ organisms में नहीं, बहुत सारे organisms में होता है। video ने भी आपको एक example बताया कि starfish के case में भी ऐसा ही होता है कि दे जस्ट लेदर एग्ज आउटसाइड सिमिलरली मेल्स जो है वो स्पर्म्स रिलीज करेंगे एंड फ्यूजन हो जाता है और जस्ट बिकॉज चांसेस चांसेस ऑफ बहुत ज्यादा होते हैं कि उन्हें खा लेगा कोई इसके अलावा चांसेस ये भी होता है कि किसी भी फिजिकल फैक्टर की वजह से जैसे पानी में फ्लो बहुत ज्यादा है इधर उधर हो गए सारे के सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से फ्यूज ही नहीं कर पाए तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिलीज किए जाते हैं ओके सो दिस इज हाउ इट है

एक डिप्लॉइड बनता है ठीक है जाइगोट बनता है तो अब ये जाइगोट बनने के बाद क्या क्या होता है क्या क्या होता है दैट्स कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन सो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उन सब में जाइगोट बनना तो तय है हर किसी के केस में जाइगोट तो डेफिनेटली बनता ही है तो जिन केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है जैसे हमने वीडियो देखी जिसमें फ्रॉग था तो उनके केस में जो जायॉट होता है वो बाहर ही बनता है वो बाहर ही फ्यूज करेगा और वही बाहर ही बनेगा हालांकि जिनके केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है तो उनके केस में जायॉट अंदर बनता है आई डोंट थिंक सो इसका मेरे को एक्साम्पल बताने की जरूरत है जैसे वी कैन जस्ट लुक एट आवर सेल्फ ह्यूम केस में में फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है एंड देन इस पूरे जायगॉट का डेवलपमेंट होगा पूरी डेवलपमेंट होगी पूरी लाइफ साइकिल चलेगी एंड डिपेंड करता है कि किस किस तरीके की डेवलपमेंट होगी डेवलपमेंट कैसी होगी ग्रोथ कैसी आएगी ऑर्गेनिज्म नया जो बनने वाला है वो कैसा बनेगा वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका खुद का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है एंड एट द सेम टाइम आप किस एनवायरमेंट से एक्सपोज हो इससे भी फर्क पड़ता है दैट्स वाई अब जस्ट टेकिंग अगेन अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट बिकॉज दैट सबसे ईजी सो इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स जब फाइनली दे आर प्रेगनेंट it is very very essential that they should be maintained in a very happy environment in a very progressive and a growing environment, reason being, uh, the baby that's developing inside the mother's womb is very much exposed to everything that's happening outside. तो कैसा खाना पीना मिलता है उसको कैसी diet जाती है body में कितना अच्छा खाती है वो कितना अच्छा चीजों में involved होती है कितने बढ़िया social interactions होते हैं उनके uh, आसपास के लोग उनके साथ कैसा behaviour रखते हैं इस सब की एक एक चीज का फर्क पड़ता है ऑन द बेबी दिन ऑब्जर्व इन योर फैमिलीज और इन एनी रिलेशन आउटसाइड द फैमिलीज एज वेल दैट वेन समेडी इज प्रेगनेंट दैट लेडी इज गिवन एन एक्स्ट्रा केयर उसको जनरली जिस तरीके से रखा जाता है जनरली उसके साथ जो लोग बातचीत करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसको रखने की कोशिश करते हैं रीजन बी नाउ इट्स नॉट जस्ट द मदर दैट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ इट्स द बेबी एज़ वेल एंड उस बेबी के केस में क्योंकि एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग आउटसाइड इज क्रिएटिंग एन इंपैक्ट दैट्स व्हाई हर एक चीज बहुत कायदे से करनी होती है खाने से लेकर आसपास के इंटरेक्शन से लेकर आसपास जाने तक हर चीज बहुत रेगुलेटेड करी जाती है so that, that the baby which de which develops inside the body and then finally when it gets delivered it should be very healthy very progressive and very uh, sound very sound like uh, sirf koi bimari na hona is not health koi mental parishani na hona is also health so everything फिजिकल सोशल मेंटल इमोशनल हर साउंड से हर एंगल से दैट बेबी टू बी हेल्दी, दैट्स वाई एक प्रेग्नेंट लेडी का वैसे भी बहुत ज्यादा रखा जाता है ठीक है जनरेशन आप एक नई जनरेशन लाने वाले हो सो दैट्स वाई इट शुड बी वेरी मच वेल टेकन केयर ऑफ जैसे अभी मैंने बताया कि मदर के केस में तो वोमेन डेवलप हो रहा है तो अंदर ही सिक्योरिटी रहती है और बाकी बाहर से भी हम सिक्योरिटी रखते हैं Similarly, इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्लास एलगी उनके केस में जो जायॉट है ना जब जायॉट बन जाता है इट डेवलप अ थिक वॉल जैसे है, उसके ऊपर ना वो अपनी एक बड़ी थिक सी वॉल बना लेता है काफी थिक वॉल बनाता है जिसकी वजह से बाहर के डैमेज से बचता है डैमेज नहीं हो पाएगा जल्दी से कोई फिजिकल डैमेज नहीं हो पाएगा इसी तरीके से कोई पानी का लॉस नहीं हो पाता है पानी के कंजर्वेशन के लिए ऐसा ज्यादा करते हैं कि वॉटर कंजर्वेशन होता रहा है जिसकी वजह से डेसिकेशन डेसिकेशन इज सुखना राइट right? सुखने की परेशानी वाटर लॉस कह सकते हैं इसे सो डेसिकेशन की परेशानी नहीं होती है एंड फिजिकल डैमेज भी बचता है एंड देन फाइनली ओवर द पीरियड जब ये थोड़ा सा ऐसा uh, के ऊपर ऐसी वॉल बन जाती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड रेस्ट ये फाइनलीट जो है जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना देता है this is how it happens. Uh, I think again, ये तो बहुत कॉमन सी बात है जो हमने पहले भी पढ़ी थी हम पढ़ रहे थे कि सेल डिविजन का क्या लेना देना है इन तो केस ऑफ गैमीट्स तो जिनके इसमें अः uh, जो जायॉट है जैसे ऑर्गेनिज्म जिस रीड दिस लाइन ऐसे ऑर्गेनिज्मिक लाइफ साइकिल तो जायॉट उनके इसमें मिओसिस से फाइनली अपने जिनसे एक एक हैप्लोइड नया इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। I think that's a very fair line. हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा ही था कि दो तरीके के डिप्लॉयड तो होती है तो वो म्योसिस करके गैमीट्स बनाती है विच आर हेप्लॉइड और अगर पेरेंट बॉडी हेप्लॉइड होती है तो माइटोसिस करके गैमीट बनाती है तो हमेशा एप्लॉइड ही होंगे लेकिन जो पेरेंटल बॉडी है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला डिविजन करेगी वो एंड एंड इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग दैट जायट इज द वाइटल लिंक मेल और फीमेल के केस में इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा एंड देन फाइनली इनसे जो जायॉट बनेगा एंडगट से जो फाइनली बेबी डेवलप होगा जायगोट से नया बेबी आता है एंड दैट बेबी इज द नेक्स्ट जनरेशन अगली जनरेशन आती है इन दोनों ह्यूमन्स की या फिर किसी और, और, और किसी और ऑर्गेनिज्म की भी कह सकते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंड कर पाए तो जब नया जनरेशन आती है और नई जनरेशन से फाइनली अः दो मतलब मेल और फीमेल फाइनली एक नई जनरेशन लाते हैं तो उन दोनों चीजों के बीच में इन पेरेंट्स के बीच में और इस नई जनरेशन के बीच में जो मेन लिंक है दैट्स दाइट जो कुछ है वो ये मेंटेन कर रहा है ओके। सो लेट्स मूव फर्दर अब बस एक लास्ट छोटा सा छोटा सा पार्ट बचा दैट्स कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस इट्स फेयरली वेरी इजी मतलब दिस इज ऑन माय फ्रंट आई हैव लर्न बायोलॉजी ऑल माय एंटायर लाइफ टिल नाउ एंड मेरा खुद का मानना है कि बायोलॉजी इज नॉट अबाउट लर्निंग स्टफ कुछ भी रटना नहीं होता है रटने वाली चीजें कभी याद नहीं रहती है आई एम रीडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग आफ्टर सम टाइम मेरे को भी लास्ट टाइम पढ़े हुए थोड़ा समय हो चुका है उसके बावजूद भी आज भी मैं इसे बिन पढ़े बता सकती हूँ कि इसमें क्या है कारण मैंने रटा नहीं था मैंने इस चीज का पर्पज समझा था उसके बेसिस पे उस चीज को इतनी बार दोहराया हुआ है दैट मेरे को याद है फेयर आइडिया पता है चीजों का मतलब समझने की कोशिश करो जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस वर्ड को तोड़ दो दो पार्ट में an embryo and there is a genesis. Genesis का मतलब होता है 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 लैटिन में synthesis. And embryo, obviously आपको पता है, zygote के बाद embryo finally, final बनता लिंक सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम Zygote ये जो zygote है आपका इस जायगोट से जब फाइनली एम्ब्रियो बनता है उस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं वेरी फेयर एंड सिंपल राइट किसी वजह से तो इतना बड़ा हुआ होगा ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हैं सेल्स एक साथ बढ़ते चले जा रहे हैं अब यह नए नए काम भी कर रहा है जब मदर की बॉडी में पहली बार पता चलता है जैसे शीज अ प्रेगनेंट लेडी जो दो महीने की प्रेग्नेंट लेडी है एंड एक सेवन मंथ की प्रेग्नेंट लेडी में बेबी में बहुत डिफरेंस होता है दो मंथ में बच्चे में कुछ खास ज्यादा दिखाई नहीं देगा दे वुड नॉट वुट स्पेसिफिक नोज दे वुड नॉट बी स्पेसिफिक आईज लेकिन एक सेवेंथ मंथ के बेबी में आपको आईज भी दिखेंगी डॉक्टर एक हार्ट बीट भी सुन सकता है नोज भी दिखेगी पर ऐसा हो कैसे रहा है समथिंग इज हैपनिंग वट इज हैपनिंग इज की सेल डिविजन हो रहा है माइटोसिस हो रहा है और सेल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है सो माइटोसिस के थ्रू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं उस के अंदर एंड हर सेल को एक नया काम दिया जा रहा है तो जो ये नया काम दिया जा रहा है दैट्स कॉल्ड सेल सेल में करके बताया जा रहा है कि हर सेल का क्या काम है नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ ही रहे हैं और डिफरेंसिएशन के बेसिस पे कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं सेल के अंदर जिसकी वजह से कुछ स्पेशलाइज टिश्यूज बनेंगे ऑर्गन्स बनेंगे एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म फुल हो जाएगा बॉडी के अंदर जैसे एक सेवन मंथ लेडी के अंदर बच्चे का हार्ट कंप्लीटली डेवलप कर चुका होता है तो अब क्या हुआ सेल्स तो बहुत सारे बना लिए बॉडी में मतलब उस से फाइनली एम्ब्रियो बनाने तक बहुत सारे सेल्स तो बन गए लेकिन हर सेल से फाइनली एक टिश्यू बना और हर टिश्यू से एक ऑर्गन बना हार्ट भी धीमे धीमे डेवलप करा बॉडी के अंदर किडनी भी डेवलप कर रही होगी सब कुछ बन रहा है एंड हर चीज का एक नया काम आ रहा है हर सेल बस बेमतलब के नहीं बन रहा है हर सेल का कुछ नया काम दिया जा रहा है हार्ट जो है खून पंप करना शुरू करेगा इसीलिए तो फाइनली जब बॉडी में बच्चा पूरा डेवलप कर जाता है तो उसके बाद हर चीज अपने आप कर पाता है राइट right? फिर मम्मी की मतलब जो मदर की बॉडी है वो सब कुछ सप्लाई करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बट वंस द बेबी गेट्स डिलीवर्ड उसके बाद वो हर एक चीज अपने आप कर पाता है सो दैट्स द थिंग उसी के बेसिस पे एम जस्ट से दिस इज हाउ इट सो इसमें भी एक छोटा सा दो टर्म्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है डायग्राम फॉर इट एनिमल्स को जो ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जयगॉट के थ्रू उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है एक को बोलते हैं ओ पैरस एक को बोलते हैं वी वी पैरस फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई एक्सटर्नल की इंटरनल कहां बना एक्सटर्नली की इंटरनली उसके बेसिस पे तो बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन अब उस जायगोट का ग्रोथ कहां पे हो रहा है के अंदर की के बाहर ओके okay. सो so, उसके बेसिस पे बोलते हैं ओवी पैरस और वीवी पैरस जब फीमेल बॉडी के बाहर बनता है तो बोलते हैं ओ पैरस ओ से ऐसे याद रख सकते हैं से आउटसाइड राइट

ओवी पे, पेरस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे रेपटाइल्स और बर्ड्स बहुत ईजी है आपने नॉर्मल देखा है ये चीज तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के के केस में जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं उनके ऊपर बड़ी हार्ड सी कैल्शियम क्या, की कवरिंग होती है एंड देन फाइनली एक सेफ एनवायरमेंट में बर्ड अपने एग्स को लेकर देती है फिर काफी समय तक उस पर इंक्यूबेट करती है अच्छा खासा इंक्यूबेशन का पीरियड देती है तब उसके यंग वंस बाहर आते हैं हालांकि इन केस ऑफ वी वी वीवी पैरिस कौन है जैसे हम उनके केस में जो जायॉट है वो पूरा का पूरा एक काइंड kind ऑफ of अच्छा खासा यंग वन बन के निकलता है जो बेबी बनता है वो पूरा सेल्फ एकदम एक दूसरे एक ह्यूमन से कंपेयर करो तो उसके पास सब चीजें होती हैं उसकी जैसी हार्ट भी होता है किडनी भी होती है हैंड्स भी होते हैं लेग्स भी होते हैं आंखें नाक मुंह सब कुछ सो so, इस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर देन इट्स कॉल्ड एज द वीवी पेरस एनिमल्स जिसके केस में जो यंग वंस है वो डिलीवर होते हैं आफ्टर अ सर्टेन डेवलपमेंट ऐसे नहीं जैसे इन केस ऑफ रेप्टाइल और बर्ड्स की एक फर्टिलाइज एग है वो बाहर ले uh, डाउन कर दिया उसके ऊपर बढ़िया सी कवरिंग कर दी कैल्शियम की और उस पर बैठी रहती है इनक्यूबेशन देती है उसको एंड देन फाइनली एग्स हैच आउट करते हैं सो so, एक नॉर्मल सी बात है एंड आई थिंक दिस इज अ जनरल फैक्ट ये तो uh, खुद से समझने की बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों के चांसेस ऑफ सर्वाइवल किसके बच्चे चांसेस हैं कि बहुत आराम से सर्वाइव कर जाएंगे और किसके बच्चे चांसेस हैं कि मर सकते हैं डिलीवरी से पहले ही एक ओवी पेरस के चांसेस हैं दिल डाई डेड से से बेबी को जन्म देती है बट बहुत कम चांसेस है कि इफ यू आर डूंग एवरीथिंग प्रॉपरली एक बढ़िया तरीके से आपकी केयर करी जा रही है एक बढ़िया माहौल में यू आर डूंग एवरीथिंग सो बहुत बहुत बहुत, बहुत रेयर चांसेस होते हैं That एक dead बच्चे को आप जन्म दोगे survival, इसमें भी है ऐसा नहीं है कि वो भी पैरिस के बच्चे मरें मरेंगे ही मरेंगे चांसेस हैं लेकिन इसमें परेशानी के चांसेस भी हैं देर आर चांसेस कि वो एग टूट सकता है टाइम से पहले सो so, uh, कंग्रेचुलेन दिस इज हाउ आइल जस्ट टर्मिनेट द चैप्टर यहीं पे है हर एक टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं बहुत 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 ज्यादा में जा सकते हैं दैट्स मेडिकल इज ऑल अबाउट बट वी आर कवरिंग टिल सर्टेन एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मैंने आपको हर चीज बता दी और मैंने शायद थोड़ा सा ज्यादा ही बताया है इतना भी कुछ चीजें इतने एक्सटेंट तक भी कवर नहीं है सिलेबस में बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बताया सो आई एल जस्ट फिनिश दिस चैप्टर this is the first chapter reproduction in organisms we are finishing it off here and we are going to begin with the with another chapter of the same book and uh, i hope you are understanding it well if there are any other questions do do connect with me and i would be happy to help all the very best thank you let's see each other in the next class